बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था न्यू इक्वेशन का, जिसमें हमने इक्वेशन इन मार्क्स में एक तो हम देखते थे इक्वेटरी प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, कल डिस्कस किया था, और इक्वेशन के लिए जो स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं प्लांट को उनके नाम डिस्कस करे थे किए थे। आज हम उन स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो किस तरह इक्वेशन जो है ना वो या इक्वेटरी प्रोडक्ट को वेस्ट मटेरियल के तौर पे रिमूव करते हैं। उसमें नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है वैक्यूल्स। अब अगर आपको याद हो आपने फर्स्ट ईयर में सेल को डिस्कस किया है, तो ये सेल है, सेल के बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉन सेल मेम्ब्रेन भी होती है, तो सेंटर में दरमियान में बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वैक्यूल का नाम देते हैं। साइड पे है ना वो क्या पड़ा होता है, न्यूक्लियस पड़ा होता है। तो वैक्यूल क्या करता है बेटा, प्लांट सेल, प्लांट जो है ना हो या प्लांट सेल, वैक्यूल को दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन पे स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, इसको इस्तेमाल करते हैं यूजफुल कंपाउंड को स्टोर करने के लिए, लाइक वाटर है, लाइक मिनरल्स है, जो जाइलम टिश्यू के लिए अब्सॉर्ब होके सेल के वैक्यूल के अंदर जो वाटर है वो ट्रांजिटिटी प्रोवाइड करता है। या फिर क्या करते हैं बेटा, स्टोर फॉर वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो वैक्यूल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में रोल होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक तो इसका जनरल है कि ये यूजफुल कंपाउंड को सोल्व करता है, सेकंड ये कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी सोल्व करता है। जैसे ही वेस्ट मटेरियल की तादाद ज्यादा हो जाती है तो ये बॉडी से इसको रिमूव करता है, सेल से इसको रिमूव कर देता है। ये था वैक्यूल के बारे में। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एक वो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लीव्स कहते हैं, पत्ते। तो पत्ते किस तरह जो है ना वो करते हैं बेटा, इसकी जो एक्सक्रीशन निकालते हैं बॉडी से, एक नंबर वन पे याद रखेगा जो जितने भी लीव्स हैं प्लांट प्रोड्यूस, उनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। जितने भी प्लांट हैं प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो प्लांट्स हैं इनको स्टोर करते हैं इन द लीव्स, पत्तों के अंदर जो है ना इसको स्टोर करते हैं। अब हम जानते हैं कि आप देखते हैं कि जैसे ही सीजनल माइग्रेशन होती है, सीजनल माइग्रेशन का मतलब है जैसे ही हमारा माहौल या हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है खजान का मौसम जिसे हम कहते हैं। एक होती है बहार, बहार में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, नशोनुमा करते हैं। तो जो खजान का मौसम है उसमें जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो लीव्स हैं उनको फॉल करते हैं, उनको गिराते हैं। तो जिसमें मैंने कहा कि जो वेस्ट मटेरियल है वो किसमें स्टोर करते हैं, लीव्स के अंदर। तो प्लांट जैसे ही ऑटम का सीजन स्टार्ट होता है, खजान का मौसम आता है, तो अपने लीव्स गिराना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो तो लीव ने क्या कर दिया, उनको रिमूव कर दिया जो स्टोर थे लीव के अंदर। सम केसेस में क्या होता है कि मौसम खजान का आता ही नहीं है, लीव वैसे ही डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो एक अलग जो है ना वो सिचुएशन है। इन सम केसेस प्लांट जो लीव्स हैं वो डाई ऑफ कर जाते हैं बेटा, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली ऑटम की। उसमें जो डाई ऑफ की है सम केसेस में, वो कहता है कि हो सकता है किसी डिजीज की वजह से या किसी मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है बेटा, या फिर डाई ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव, जो लीव गिरते हैं इट्स अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, कहता खजान के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं उसके अंदर वेस्ट और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, तो जो गार्डनर है जो मालिक है उसको जो नए पत्ते होते हैं और नए प्लांट्स होते हैं उनकी नशोनुमा के लिए एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, एज अ मिनरल सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो फॉलिंग लीव जो है बेटा, जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, तो वो क्या है, गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। अब एक प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सक्रीटोफोर्स, क्या करते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर का मतलब है जैसे ही प्लांट, हमें ये तो पता है कि जैसे ही जो प्लांट्स के लीव है उनका कलर येलो होता है, तो
तो वो गिनना शुरू कर देते हैं खजान के मौसम के अंदर। तो प्लांट फॉलो द येलो लीफ इन सीजनल टाइम, जब सीजन टाइम होता है, पत्ते गिराने का टाइम होता है, ठीक है बेटा, तो येलो लीफ गिराते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, ताकि उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो भी रिमूव हो सके। लेकिन वो कहते हैं कि जो कलर है उन पत्तों का वो चेंज नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो इसलिए हम इन प्लांट्स को एथ्रेटोफोर इसलिए कहते हैं कि सीजनल टाइम के अंदर मौसम में हजार के अंदर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्होंने पूरा साल वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर किया तो ये गिरा देते हैं, इसलिए हम उन प्लांट्स को एथ्रेटोफोर कहते हैं जो पत्ते पत्तों को गिरा के अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव करते हैं, उनको एथ्रेटोफोर कहते हैं। साइंस का ये मानना है कि उसका कलर इसलिए चेंज नहीं होता बेटा क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट्स है जो क्या बेटा क्लोरोफिल है। समटाइम कुछ और जो है ना टॉक्सिक कंपाउंड भी होते हैं जो प्लांट्स के जो माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जाए तो टॉक्सिक मटेरियल होता है बेटा, अगर हम इसको देखें तो वो क्या करता है प्लांट्स के जो लीफ है उनकी डेथ कॉज करवाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास है स्टेम्स, हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा वो कौन सा है स्टेम, तो स्टेम क्या करते हैं बेटा डिपॉजिट करते हैं स्ट्रेंज केमिकल्स को, लेकिन खतरनाक केमिकल्स को ट्रीज जो है ना वो डिपॉजिट कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। लाइक अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम आपको पता है ना, अगर आप स्ट्रक्चर देखें लीफ जो है पूरे प्लांट्स का, प्लांट्स में एक आता है ट्रंक रीजन, ट्रंक रीजन वो जहां पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊ ये रूट्स हैं जमीन के अंदर, यहाँ पे प्लांट्स का ये बड़ा स्टेम है, तो ये जो बड़ी स्टेम वाला रीजन है बेटा आप इसको जो है ना वो इसको ही आप जो है ना वो क्या नाम देते हैं ट्रंक रीजन का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से सारी शाखें जो है ना वो ओरिजिनेट होनी होती हैं। तो कहते हैं यहाँ पे अंदर आने पर होगा कि जाइलम जो है ना वो टिश्यू भी होते हैं, तो जाइलम की जो ट्रंक रीजन की ब्रांचेज है उसके अंदर ये स्ट्रेंज केमिकल को स्टोर करते हैं। अब जब ये इनको स्टोर कर लेते हैं बेटा तो जाइलम के जो टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग अरसे तक एक्टिवली जो उन्होंने वाटर को या सॉइल को ट्रांसपोर्ट करना होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। फिर सुन लेगा स्टेम के अंदर, स्टेम क्या करती है बेटा स्ट्रेंज केमिकल्स को अपनी बॉडीज के अंदर जो है ना वो स्टोर कर लेती है, जिनको हम ट्रंक रीजन का कह रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो जाइलम की ब्रांचेज है ट्रंक रीजन के अंदर वो एक्टिवली जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वाटर को और मिनरल्स को वो नहीं कर पाती, लेकिन इसके नतीजे में होता क्या है कि जो सेंटर वाला रीजन होता है, ठीक है बेटा, वुड का वो ब्लैक नजर हो जाता है, इसलिए उस ब्लैक सेंटर वाले रीजन को जो वुड क्या उसको आप इबोनी का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक ट्रंक रीजन काटा हो आपने, ठीक है तो बेटा आपको यहाँ पे नजर आए एक बड़ी सी हमारे पास जो है ना वो वुड है, आप लोगों का तो नहीं मुझे पता आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अभी भी हमारे ना जब शादियां होती हैं लोगों तो फर्नीचर बनाते हैं लोग, तो दरख्तों को काटते हैं ताकि फर्नीचर उन्होंने लकड़ी को ही इस्तेमाल करना है वुड को ही, तो जब वो काटते हैं ना तो बेटा ये जो मोस्टली ये वाला पोर्शन होता है ना ये वाला सेंटर वाला ये पूरी मैं बता रहा हूँ ट्रंक रीजन आपने काटा है तो ये में ब्लैक नजर की ब्लैक कलर की नजर आती है, जिसको यहाँ पे साइंटिस्ट किसका नाम ले रहे हैं इबोनी का, इसका नाम ले रहे हैं इबोनी का नाम, साइंटिस्ट कहते हैं बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये जो ब्लैक कलर हमें नजर आ रहा है सेंटर के अंदर ट्रंक रीजन में यहाँ पे स्ट्रेंज केमिकल डिपॉजिट है, असल में ये वो केमिकल है बेटा जो वेस्ट मटेरियल है, जो क्या है वेस्ट मटेरियल है। तो फिर मैं बता रहा हूँ बेटा ट्री डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल इन द स्ट्रक्चर लाइक जाइलम इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रंक, ये हमारे पास पूरा एक ट्रंक है यहाँ पे अंदर ब्रांचेज होती है जाइलम की, तो सो जाइलम आर नो लॉन्गर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, इस रीजन को ज्यादा से तक जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता, अब प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर इज कॉल्ड इबोनी, ये वुड है ठीक है बेटा।
तो इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये शो करता है। अच्छा आप यहाँ पे यहाँ मैंने अंदर नहीं जाएगा, ये पूरी आपको पूरे दरख्त के अंदर जाना वो ब्लैक जो है ना लगी, आप जिस जगह से भी प्लांट्स के इस पार्ट को काटेंगे, रूट के इस पार्ट को काटेंगे, तो आपको ब्लैक जो है ना वो कलर शो कर जहाँ से भी, आप इसको इगोनी का नाम देते हैं। तो यही है कि वो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो स्टेनिस केमिकल डिपॉजिट हुए हैं, यही एक्चुअली जो स्टेम्स के वेस्ट मटेरियल है, स्टेम इसको वेस्ट मटेरियल के तौर पे स्टोर कर लेती है और बॉडी से रिमूव करती है। अगर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रूट्स, जड़ें, जड़ें जमीन के अंदर रूट्स होती है, ठीक है बेटा। तो जो रूट्स हैं एक्टिवली सीक्रेट वेस्ट कंपाउंड्स इन द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल से बाहर से होती नहीं है, मैंने कहा जमीन के अंदर है, तो ये सॉइल है, तो ये क्या करते हैं एक्टिवली वेस्ट मटेरियल को सॉइल के अंदर ही जो है ना वो सीक्रेट करती हैं, खारिज करती हैं। तो सम टाइम कुछ प्लांट्स, बाद में कुछ प्लांट्स इन्हीं केमिकल्स को एज अ वेपन्स के तौर पे काम करते हैं। वेपन्स हम कहते हैं जंग के लिए जो आप हथियार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, अपने दुश्मन को हराने के लिए आप उसको वेपन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया प्लांट्स ने, एक्टिवली सीक्रेट किया वेस्ट कंपाउंड को सॉइल के अंदर, ठीक है। तो बाद कुछ प्लांट्स, कुछ दरख्त उन्हीं केमिकल्स को जो इन्होंने सीक्रेट किए बेटा, उसको वेपन्स के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्लांट्स को खत्म करने के लिए। लाइक दूसरे प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं, कोनीफेरस प्लांट्स, इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए हम इसको जो है ना वो वेपन्स केमिकल्स कह रहे हैं। यहाँ पे जो रूट्स सीक्रेट करती हैं ओएसिस, उनको वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा सीक्रेशन इन प्लांट्स, ये हमारा आज खत्म हो चुका है टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं मोस्टली जो पूछा जाता है एक्सिटोफोर क्या है, इबोनी क्या है, ये आप लोगों के लिए नई चीजें हैं, बाकी हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। एक्सिटोफोर उस प्लांट्स को कहते हैं जो लीफ गिराते हैं अपने सीजनल टाइम में, ठीक है बेटा, उनका कलर येलो होता है, आप उन प्लांट्स को एक्सिटोफोर कहते हैं जो लीफ गिराते हैं। इबोनी मैंने कहा बेटा कि स्ट्रेंज केमिकल डिपॉजिट होने के बाद ट्रंक का जो रीजन है सेंटर में जहाँ पे जालम टिश्यूज होते हैं उसका जो कलर है फुल ब्लैक हो जाता है सेंटर में से, आप उसको इबोनी कहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को 3-4 दफा देखेंगे, ठीक है, सुनेंगे और फिर आप बुक से रीड करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर आपको कोई मसला है तो बेटा मैंने आपको अपना नंबर बताया हुआ है, आप उस पर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।